वेलकम फ्रेंड्स। आजकल स्ट्रेस लगभग सभी को हो रहा है, चाहे बच्चे हों, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, अच्छे नंबर लाने हैं, दुनिया भर की चीज़ें। साथ में टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको कॉलेज के का स्ट्रेस है, जॉब करने वाले हैं बेचारे, जिनको मिल गई है वो भी दुखी हैं, जिनको नहीं मिल रही वो भी दुखी हैं। कुल मिला के घूम फिर के बात यही हो जाती है फ्रेंड्स कि हर किसी के जीवन में स्ट्रेस है और उसके चक्कर में सबको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है। होता क्या है, डॉक्टरों के तो मज़े हो जाते हैं, आ रहे हैं जी पेशेंट्स, ठीक है ना, धड़ाधड़ उनको गोलियाँ खिलाए जाओ, उनका भी बिजनेस चालू, और इंसान सोचता है कि चल यार गोली खा के सर में दर्द ठीक हो गया, चलो झंझट ख़त्म, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके लिए बार बार गोली को खाना, अपनी सेहत को ख़राब करना साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, उसके बजाय अगर आप एक कोशिश करके देखो, जैसे मैंने की है, मुझे माइग्रेन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से रही है, लेकिन उसके लिए जो मैंने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला वो ये निकाला, जिसको कि कहते हैं हेड मसाजर, स्कैल्प मसाजर, जिसका बॉक्स पैक मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स पैक है इसका, और बॉक्स से ही आपको लग रहा होगा कि ये हेडेक को रिलीफ करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसा कि ये डिज़ाइन वगैरह मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रॉपरली कैसे इसको करना है। और दूसरा इसमें जो है, क्या नाम है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आपने यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब होता क्या है फ्रेंड्स, अगर गोली खाने के बजाय हमें एक ऐसी डिवाइस मिल जाए जिसकी वजह से हमारे सर में ज़रा रिलैक्सेशन हो जाए, आराम मिल जाए, तनाव स्ट्रेस थोड़ा कम हो, एक अच्छी साउंड स्लीप मिल जाए, तो उसके लिए ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फैंटास्टिक है। और इसको GSB की कंपनी ने इसको बनाया है, और जो बेसिक इसका जो फीचर है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, ये एक सूदिंग सा वाइब्रेटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है कि बहुत अच्छा लगता है कि भाई जैसे सर पे कोई मसाज कर रहा है या मालिश कर रहा है, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग इस चीज़ में आती है। सो अब इसको यूज़ कैसे करना है, डिज़ाइन देख लो आप, डिज़ाइन में इसमें जो आपको ये लग रहा है ना, आपको लग रहा होगा यार ये तो चुभने वाले कांटों जैसे, नहीं है ऐसा, देखो मैं आराम से देखो हाथ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, सो ऐसा कुछ नहीं, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स टाइप हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है कि भाई थोड़ा सा पॉइंटेड यू नो रिलीफ सा मिले, जिससे जिस पर्टिकुलर एरिया में सर के दर्द हो रहा है, चाहे माइग्रेन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, तो उसमें थोड़ा आराम मिल सके। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, अगर आप इसको ट्विस्ट करके बाहर निकालोगे, थोड़ा सा ये एक्चुअली नया मैंने मंगाया उस वजह से, तो अगर आप इसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा निकालोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें तीन सेल्स डलते हैं। देखो ये इसका कैप है, ठीक है, ये इसकी कैप हो गई जो मैंने आपको अभी दिखाई, ठीक है, और ये हो गया। देखो ये जो पॉइंट वाला बटन है ना, ये वाला, ये बेसिकली प्रेस होता है, और ये प्रेस होके अपना बहुत रिलीफ देता है। मैं आपको अभी इसका डेमो करके दिखाता हूँ। अब आप ये देखोगे फ्रेंड्स कि ये बेसिकली तीन जो है ना सेल इसमें छोटे वाले डलते हैं, ट्रिपल ए। अब सेंस ये कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ नहीं ले रहा, कोई हाई LED वेलीडी इसमें है नहीं जिसकी वजह से ये सेल्स को बहुत कंज्यूम कर ले और बैटरी को खा जाए, लिटरली कुछ नहीं है। आराम से आप इसको लगाओ, ठीक है, लगाने के बाद बहुत आराम से ये चलता रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, मज़े से इसको यूज़ करते रहो। जब आप ये तीन सेल लगा लोगे तो ये जो क्लैम्प्स हैं एक तरह से, इसमें आपको इस ढक्कन को फिक्स कर देना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, धीरे से आपने इसको करके, धीरे से जहाँ ये फिट होगा वहाँ पर आपने इसको ट्विस्ट कर देना है। देखो इसको थोड़ा सा पकड़ के यहाँ पे, ताकि जो है ये आराम से इसमें फिट हो सके, और यहाँ पे इसको आपने आराम से, ठीक है, फिट कर देना है। इस पर ज़्यादा प्रेशर मत क्रिएट करना फ्रेंड्स, नहीं तो टूट टाट के बराबर हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि बिल्कुल ड्यूरेबल क्वालिटी नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं करना है आपने। ऑब्वियसली बात है यार, देखो ना, जो इसका ये ब्लैक वाला बटन दिख रहा है ना, उसमें इस वाइट वाले बटन को फिट कर देना है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं ताकि ये ठीक से फिट हो जाए, और ये आपका घूम गया और फिट हो गया, ठीक है जी। अब इसमें होता है पुश बटन, ठीक है। पुश बटन में क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स, इसमें तीन मोड्स होते हैं। इसमें पहला मोड मैंने दबाया, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको प्रॉपरली फिट कर दूं पहले, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रॉपरली फिट हो चुका है। अब इसमें एक बटन हम दबाएंगे, ये आपको ऑब्वियसली वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से आप क्या कर सकते हो, सर पे आराम से अपना, देखो कोई घर में है नहीं है अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि वो मसाज कर दे, आराम से आप इसको धीरे धीरे अपना करो, जिस भी प्रेशर पॉइंट पे आपको सर में दर्द हो रहा है आराम से आप इसको रिलैक्स होते हुए इसको करो, और ये बहुत अच्छी आपको फीलिंग देता है, एकदम ऐसा लगता है कि मतलब कोई हाथों से मसाज कर रहा है। दूसरा मोड होता है हैमर। हैमर में क्या होता है कि ऐसे लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, आपने कभी हेयर कट वगैरह करवाया हो तो उसके बाद वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसमें ये हैमर मोड है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई जैसे हाथों से ऐसे कर रहा है, फर्स्ट मोड में ऐसे ऐसे की फीलिंग आई थी, और अब इस वाले मोड पे हैमर की आ रही है कि जैसे हल्का हल्का कोई ऐसे 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 धीरे धीरे अपना कर रहा है। एंड फाइनली इसमें तीसरा मोड होता है फ्रेंड्स, तीसरा अब हमने दबाया इसमें, अब ये होता है लॉन्ग वाइब्रेशन मोड, ठीक है।
ये कंसिस्टेंट मुश्किल से 1 से 2, ये प्रेफर मोड है मेरा, मैं इसी को यूज़ करता हूँ जब भी माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर होता है या कुछ भी है, तो इसको आराम से अपना सर पे आराम से ऐसे फेरो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। देखो हेडेक जो है ना, उसका ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% मैंने देखा, इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे बहुत हल्का फील होता है, उसके बाद मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ और कॉफ़ी वगैरह पी के अपना जो है बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है। 80% इसने गोलियों की कंजम्पशन काफ़ी कम कर दी है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को, जिन भी लोगों को स्ट्रेस का हेडेक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्कूल गोइंग किड्स हों, चाहे कोई भी हो, उनके लिए ये सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है। एक बार इसको आजमा के देखो यार, अमेजोन की प्रोटेक्शन तो है ही, वापस कर देना, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको यूज़ करके देखो एक बार, अगर ये आपको पसंद आता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें मिल सकते हैं, गोली की टेंशन आपकी हेडेक की कम हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।